हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप ही के प्रॉब्लम्स पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, आज जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो कुर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ। जो आपकी कुर्ती होती है जिसमें महिलाओं को बहुत सारे डाउट है, व्यूअर्स को बहुत सारे डाउट है, तो मैंने उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो तैयार किया है। जो कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इसमें कि हमें शोल्डर कितना लेना चाहिए, आर्म होल कितना लेना चाहिए। आज मैं आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ जो कि कंधा गिरने की प्रॉब्लम है, बगल में जो आर्म होल की साइड में जो सल आता है उसकी प्रॉब्लम है। तो देखिए, आज अगर आप परफेक्ट तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कभी भी ये चीजें की समस्याएं आपको नहीं आएगी। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ही अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारी ये कुर्ती है, कुर्ती में जो लंबाई होती है वो किसी भी तरीके से मेजर नहीं करती है। अगर आप लंबाई में कुर्ती बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो होता है कुर्ती में पार्ट होता है वो होता है सीने वाला भाग, शोल्डर वाला भाग, आर्म होल वाला भाग और गले की लंबाई और चौड़ाई। आपकी मेन शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम पर ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, मेन होता है हमारा शोल्डर। शोल्डर आपको सीने के हिसाब से शोल्डर कितना लेना चाहिए। तो देखिए, ये 28 से 30 हमने नाप लिया है। 28 से 30 का मतलब है 28 और 30 को हमने सीना एक ही रखा है और 32। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले 32 जो बहुत ज्यादा रेगुलर चलता है उसके बारे में बताऊंगी, और एक बड़ा नाप आपको 40 साइज के बारे में बताऊंगी, और बीच के नाप आपको आपके नाप से निकालने हैं। देखिए, सबसे पहले हम 32 के बारे में बात करेंगे। 32 सीने के हिसाब से आपको शोल्डर कितना लेना चाहिए। तो देखिए, शोल्डर निकालने के लिए जबकि आपके पास सीने का माप है तो शोल्डर किस प्रकार से निकालेंगे, 32 का आपको छठा भाग करना है। 32 का जब आप छठा भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 5.3, यानी कि आपका शोल्डर कितना आना चाहिए, 5.3 आना चाहिए। देखिए, मैंने पहले 32 इंच का सीना लिया। 32 इंच के सीने में हमने यहाँ पे शोल्डर किस प्रकार से निकाला, 32 का जो नाप है हमारा उसका हमने छठा भाग किया। छठा भाग किया तो हमारे पास कितना आया, 5.3 आया। और अब हमें निकालना है आर्म होल। तो आर्म होल किस प्रकार से हम निकालेंगे, देखिए, जो हमारा 5.3 आया है उसमें हमें 0.5 यानी कि आधा इंच जोड़ना है। हम आधा इंच जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.8, यानी कि हमारा जो आर्म होल होगा वो कितना आ जाएगा, 5.8 हो जाएगा। देखिए, आर्म होल शोल्डर से आर्म होल को हमेशा आधा इंच बढ़ा के रखना पड़ता है, जिससे हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर आए। और पीछे का जब कुर्ती में भी आपको दो भागों में कटिंग करनी है, पीछे का भाग और आगे का भाग, आगे पीछे के भाग की आपको 1.5 इंच पर गोलाई देनी है और आगे के भाग की जो गोलाई देनी है वो लगभग 1 इंच पर देनी है। गले की चौड़ाई आपको किस प्रकार से निकालनी है, अब देखिए मेन आता है गले की लंबाई और चौड़ाई। गले की लंबाई चौड़ाई किस प्रकार से निकालनी है वो आप देखिए। अब देखिए, हमारा आता है गले की चौड़ाई, मेन पार्ट होता है हमारे गले की चौड़ाई वाला। गले की चौड़ाई से ही आपका कुर्ती का ये रहता है कि कंधा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो देखिए, गले की चौड़ाई किस प्रकार से निकालनी है, जो भी आपका सीना है उसका 12वां भाग आपको करना है। ठीक है, जो भी आपका सीना है उसका 12वां भाग करना है। तो 12वां भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 32 में 12 का भाग देना पड़ेगा। गले की जो चौड़ाई है हमारी वो कितनी आ रही है, 2.6। तो देखिए, हमको 2.6 है तो हमको 2.5 यहाँ पर लेनी है। ठीक है, 0.1 ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 2.5 ले लिया। यानी कि गले की चौड़ाई हमारी कितनी आनी चाहिए, 32 वाले भाग में 2.5 आनी चाहिए। देखिए, अब ये यहाँ पर हो गई गले की चौड़ाई। अब आपको कुर्ते में जो गले की लंबाई रखनी है वो छोटे नाप के अनुसार कितनी रखनी पड़ेगी, आगे का गला लगभग आपको 5.5 रखना पड़ेगा और पीछे का गला लगभग 7 इंच का रखना पड़ेगा। ये आपको कस्टमर के मेजरमेंट के हिसाब से भी निकालना पड़ सकता है। देखिए, अब मैंने आपको नाप निकालना बता दिया है। इसी प्रकार से जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है उसी प्रकार से आपको 40 साइज का भी निकालना है। मैंने सभी साइज का उसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसका चार्ट तैयार किया है, तो आप इस चार्ट को कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए या अपने आप से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको आगे भी फॉर्मूले निकालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने चार्ट पूरा कम्प्लीट करके आपको बता दिया है, इसे आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये कटिंग करने में मदद करे। और इसे कटिंग करते वक्त आपको इसे फॉलो करना है, जिससे आपकी जो कुर्ती कटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बिल्कुल भी आपको नहीं आएंगी। मुझे आशा है कि आप जब इससे कटिंग करेंगे, आप जब इसे अपने कटिंग में फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती।